अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो उन तक पहुंच सके। सामिन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत को 20 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी और इस दौरान में हुकूमत और तहरीक के दरमियान बैकडोर रबते चल रहे थे। ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद हुकूमत तहरीक लब्बैक से कोई मज़ीद मोहलत मांगने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो तमाम रबते मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, वो ये कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अप्रैल तक फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से न निकाला तो तहरीक लब्बैक हर सूरत धरना देगी और अपना एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक फ्रांसीसी सफ़ीर मुल्क से निकाला नहीं जाता। ये बहुत बड़ी खबर है और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तान के हालात में इसका बहुत ज़्यादा किरदार हो सकता है।